देखिए अब आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी का 15 क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग, यहाँ डिवाइड करना, ये भी डिवाइड करना है, मतलब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना, इसका 482 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या 9 से, देखिए 4 9 से छोटा, इसे दो नंबर को लेंगे तो 9 5 जब 45 45 5 टाइम्स जाएगा, उसमें से 8 को 3 आएगा और 2 कितना हो गया। अब ये देखिए ये 3 बार ही जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 36 यहाँ आ जाएगा 3 जा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट्स देख सकते हैं इसका कि 888 को डिवाइड करके 8 1 8, फिर 8 1 8 और 0 उतारेंगे तो 0 बार ले जाएंगे इसको, फिर रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 16 क्वेश्चन है, डिवाइड यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब 48 को इस सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें सॉल्व करना है। क्या 48 को, तो क्या करेंगे हम कि 48 को 8 से सब्ट्रैक्शन करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो देखिए सब्ट्रैक्शन करते जा रहे हैं, लास्ट में 0 आ जाएगा, मीन्स क्या कि 48 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार चला जाएगा, मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 48 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 6। देखा होगा नेम द मंथ ऑफ विच हैव द 30 डेज, ऐसे मंथ के नाम बताने हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, तब जानते हैं जो 30 डेज में क्या, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये मंथ है जिसमें कि इनमें डेज की संख्या 30 होती है। अब देखिए 17 में क्या करना है, सब्ट्रैक करना है, इसको नंबर लिख के देखिए हमने लिखा, अब देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसको, देखिए 0 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से 12 लेगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ 10 कितना होगा, 10 प्लस 0 10 में से 2 जाएगा 8, अब देखिए फिर से यहाँ 0 हो गया, ये 2 है तो फिर से नहीं जाएगा, तो इससे ये 12 लेगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 1 में से 1 गया 0 एंड हियर 1। देखिए अगला सेकंड पार्ट इसमें जो है वो भी अब सब्ट्रैक्शन ही है। अब देखिए यहाँ भी ये 0 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से 12 लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 10 मिलेगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, फिर देखिए ये 1 है, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से 12 लेगा, तो 6 यहाँ 10, तो 10 में से 1 जाएगा 11, 11 में 6 जाएगा 7 और 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5। अब देखिए आर दिया हुआ जो क्या, री राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसके सेकंड पार्ट में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नंबर पहले लिख लेंगे और उसको पहले असेंडिंग में छोटे से बड़े में लगाएंगे, ठीक है, हमने नंबर लिख दिया पहले से। अब देखिए यहाँ दिया हुआ 3000 है, 800 है, 9000 है, 8 है, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर यही है, क्या 822।
फिर देखिए ये तो हो गया, इसके बाद देखिए छोटा नंबर में ये है 3823, इसके बाद जो बचता है देखिए इसमें 9000 8 होती है, ये छोटा हो जाएगा 8823। इसका जो लास्ट अब देखिए इसमें डिसेंडिंग माने सबसे बड़े बड़े नंबर से छोटे नंबर, देखिए बड़ा नंबर कौन सा है 200 है, 3000 है, 500 है, 2000 है, 9, तो ये देखिए 9000 सबसे बड़ा होगा, मीन्स इसको पहले लिख लेंगे। फिर अब देखिए ये बड़ा नहीं, इसके बाद 3000 है, ये 2, ये बड़ा होगा, उसके बाद ये 2493 एंड द लास्ट ये। देखिए 9000 है, 3000 है, 2000 है, 500 और 200, डिसेंडिंग आर्डर में लगाना था, बड़े से छोटे के आर्डर में लगाना था इसको में। अब देखिए 18 क्वेश्चन है, नेम द मंथ इन विच द फॉलोइंग फेस्टिवल फॉल, मतलब हमें उन महीनों के नाम लिखने जिसमें रिपब्लिक डे आता है, टीचर डे आता है, गांधी जयंती आती है। अब देखिए रिपब्लिक डे हमारा सबसे फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें आता है जनवरी, जनवरी, और टीचर डे सितंबर। एंड गांधी जयंती अक्टूबर। इस बार देखिए सेक्शन ई आते हैं, सेक्शन ई में है राज हैज 72 स्टैम्प्स एंड ही पेस्टेड 8 टिकट इन ईच पेज ऑफ ए स्क्रैप बुक, हाउ मेनी पेजेस आर यूज्ड बाय राज। फिर राज क्या करते हैं 72 स्टैम्प्स से एक पेज में 8 स्टैम्प्स लगाते हैं, करा कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितने होंगे जितने पेज में उनके स्टैम्प्स लगेंगे, क्या होगा नंबर ऑफ पेजेस पेजेस डेट राज यूज्ड, क्या करेंगे 72 को कितना एक पेज में 8 लगाते हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, मतलब क्या होगा आंसर 9 पेज। अब देखा 20 क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म इन टू वेज, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बल्कि एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही है क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, एक्सपेंड करना है इसको, फैलाना है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से दिया ही हुआ है। एक्सपेंड देखिए करते हैं दो तरीके से, फर्स्ट नंबर हमारा है नाइन जीरो वन एट, इसको दो तरीके से क्या होगा, ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, क्या 9000 प्लस 0 100 प्लस 1 10 प्लस 8 1s, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 9000 प्लस 0 100 0 100 ऐसे लिख सकते हैं 1 10s एंड 8।
इस तरह से सेकेंड पार्ट को भी आप लिख सकते हैं, क्या दिया 8001 मीन्स ये यहाँ से वंस टेंस हंड्रेड और ये थाउजेंड, मतलब 8000 प्लस 0100 प्लस 0 tens प्लस 1 tens ठीक है, इसमें हो गई है अरेंज द नंबर्स कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर, मतलब इसको नीचे ऊपर लिखना फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना फिर आंसर चेक भी करना है दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है 20 का फर्स्ट 6000 माइनस 3485। अब देखिए यहाँ से 12 लेंगे 5 ये 10 इसको देगा 9 फिर 10 9 10 10 में से 5 जाएगा 5 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 4 जाएगा 5 एंड हियर 2। अब इसका चेकिंग भी करना है, क्या होगा चेकिंग, मतलब इन दोनों को नंबर को ऐड करेंगे, मतलब 3 4 8 5 2515 0006। तो देखना कि जो हमारा ये ऐड करने में जो आंसर है वही उसी नंबर में सब्ट्रैक्ट करना था, इस तरह से हमारा आंसर राइट है। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट क्या कि 8900 में से 4756 को सब्ट्रैक्ट करना है। एट नाइन जीरो जीरो माइनस 4756। देखिए यहाँ से 12 ले लेंगे 8 10 फिर ये इसको दे देगा 9 10 10 में से 10 में 6 गया 4 और यहाँ 9 में 5 गया 4 8 में से 7 गया 1 और 4 8 में से 4 गया 4। अब देखिए यहाँ चेकिंग भी करना हमें, चेकिंग इन दोनों को ऐड करेंगे 4756 4155 44 को ऐड कर दीजिए तो जो ऊपर है वही आंसर आएगा ऐड करने पे। तो इस तरह से हमारा आंसर, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया और इसका ये हमारा आंसर का चेकिंग हो गया। चेक इसलिए करते हैं, चेक समय पता चल जाता है कि जो हमने सब्ट्रैक किया है वो हमारा आंसर राइट है या नहीं। अब देखा 21 क्वेश्चंस ऑफ पोल्ट्री फार्म्स हैड 4721 हैंस, मतलब एक पोल्ट्री फार्म है जिसके पास इतनी मुर्गियां हैं, इसको इफ 2917 हैंस वर सोल्ड, अगर इतनी मुर्गियां वह बेच देता है सोल्ड आउट कर देता है निकाल देता है बेच के तो हाउ मेनी हैंस वर लेफ्ट इन द पोल्ट्री फार्म, तो उसके पास कितनी मुर्गियां लेफ्ट बची। जब भी लेफ्ट की बात आएगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कहेंगे नंबर ऑफ हैंस वर लेफ्ट इन द पोल्ट्री फार्म। क्या होगा नंबर ऑफ हैंस, क्वेश्चन नंबर 21 तो नंबर ऑफ हैंस वर लेफ्ट इन द
पोल्ट्री फार्म इक्वल टू देखिए सब्ट्रैक्शन में 12 ले लेंगे यहाँ 1 यहाँ 10 11 हो जाएगा ये 11 में 7 जाएगा 4 1 में 1 0 फिर यहाँ से 12 जाएगा 3 10 अब देखिए 10 प्लस 7 17 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ 3 में से 1 जाएगा और इस 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा मीन्स 1804 हैंस क्या बच जाएंगे। अब देखिए ये है इसमें देख सकते हैं आर हिस्से का या तो ये करना है या तो ये दोनों करने हैं फाइंड द प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट निकालना है। देखो प्रोडक्ट में क्वेश्चन 21 का आर है 356 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करना है देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 8 से 8 की टेबल पढ़ेंगे 8 6 जब 48 8 5 जब 44 और 8 3 जब 24 प्लस 4 28 यहाँ क्रॉस लगाएंगे फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 6 जब 24 2 और 4 5 जब 20 और प्लस 2 22 फिर से 2 कैरी रह जाएगा फिर 4 3 जब 12 12 प्लस 2 14 अब इनको ऐड कर देंगे 8 8 यहाँ 0 7 इस तरह से दूसरा पार्ट है इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0 है तो 0 को 7 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा 7 5 जा 35 5 3 कैरी और 3 7 जा 21 प्लस 3 24 फिर देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई करने पर एक क्रॉस लगा देंगे 4 0 जा 0 4 5 जा 20 20 का 2 और 4 3 जा 12 प्लस 2 14 अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 22 है क्या आ स्कूल प्लांटेड 1999 ट्रीज इन अ वन ईयर क्या एक स्कूल जो है एक ईयर में इतने प्लांट को लगाती है एंड 2770 ट्री इन द नेक्स्ट ईयर और इतने प्लांट को अगले साल लगाती है तो हाउ मेनी ट्री वर प्लांटेड इन टू ईयर्स तो कह रहे दोनों ईयर में कितने ट्री लगाए गए तो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन वन ईयर क्या 22 नंबर ऑफ प्लांट या ट्री प्लांटेड इन वन ईयर फिर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन नेक्स्ट ईयर कितना है 2770
इनको ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ ट्री या नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इन टू ईयर्स, इनको ऐड करेंगे 9, 6, 7 and 4, मीन्स कितने टोटल दो ईयर में होंगे 4769। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व किया। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।